क्रिकेट की जबरदस्त खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एसके न्यूज एक्सप्रेस को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार। भारत के तीन ओ बल्लेबाज जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल की जगह ले सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 2-0 से शानदार जीत दर्ज कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का शानदार आगाज किया। इस सीरीज में काफी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया, मगर एक खिलाड़ी जिसने अपने प्रदर्शन से सबको निराश किया वो है सलामी बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल ने पिछले कुछ टेस्ट पारियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 2018 से लेकर अब तक राहुल ने 12 टेस्ट मैचों की पारियों में सिर्फ 22.28 की औसत से रन बनाए हैं। वहीं उनके वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 4 पारियों के प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने 22.28 की औसत से सिर्फ 101 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 44 रहा है। ऐसे में केएल राहुल को 2 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अगर ड्रॉप किया जाता है तो उनकी जगह पारी की शुरुआत कौन करेगा? नंबर 3, अभिमन्यु ईश्वरन। हाल ही में बंगाल के नए कप्तान नियुक्त किए गए अभिमन्यु ईश्वरन ने पिछले 2 साल से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 52 फर्स्ट क्लास मैचों में 49.59 की शानदार औसत से 4067 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 17 अर्धशतक भी शामिल है। इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ता अभिमन्यु ईश्वरन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए केएल राहुल की जगह चुन सकते हैं। नंबर 2, प्रियांक पांचाल। गुजरात के सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल चयनकर्ताओं की दूसरी पसंद हो सकते हैं। प्रियांक ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रियांक ने अब तक 87 फर्स्ट क्लास मैचों में 47.69 की औसत से 6186 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक और 23 अर्धशतक शामिल है और उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 314 रन है। नंबर 3, रोहित शर्मा। भारत के वनडे और टी20 के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बतौर ओपनर चुना जा सकता है। रोहित को टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, मगर वहां पर रोहित का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। रोहित ने अब तक 27 मैचों में 39.62 की औसत से 1585 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक शामिल है। वनडे बतौर ओपनर बल्लेबाजी करने के बाद रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो ऐसे में उनके इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ता उन्हें बतौर ओपनर सीरीज में उतार सकते हैं।